इन हाउस चेंज की बात हो रही है सर। पार्टी जो इसमें जो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में तो नहीं है जी, मतलब पार्लियामेंट वैसे जो कायदीन है हमारी मुख्तलिफ पार्टीज के वो अपने तौर के ऊपर करेंगे, लेकिन एक आइनी तरीका जो है वो यही है इन तरी हालात जो है कि पार्लियामेंट जो है वो उसका वजूद जो है तसलसल जो है वो 5 साल जारी रहे और हुकूमत जो है वो इतमाद जो है वो खो बैठी हुई है और अंदर ही पार्लियामेंट के जो है ना तब्दीली लाई जाए, ये आइनी तरीका मौजूद है, गैर आइनी तरीके से किसी भी जो है ना उसको अटैम्प्ट नहीं करें। तो इससे हवाले से अपोजिशन की सारी जमातें खास तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ भी रबते हैं और कोई आपको आप खुद इस चीज़ के शाहिद हैं कि असेंबली के अंदर जो कोऑपरेशन है वो बड़ी अल्लाह के फजल से आइडियल कोऑपरेशन है तमाम पार्टी से अपोजिशन की, तो इस पे जो भी फैसला होगा मुत्तफिका फैसला होगा और कोई जल्द फैसला होगा इंशाल्लाह। लॉन्ग मार्च मुत्तफिका नहीं हो सकता सर, एक पीपल्स पार्टी का वो भी हो सकता है, वो अभी पौने दो महीने पड़े हुए हैं जी, कोई नहीं पौने दो महीने पता नहीं की हो जाना है। अच्छा सर, विफाकी हुकूमत ने मियाँ साहब की क्योंकि गारंटियर थे बड़े मियाँ साहब को लंदन भिजवाने में, अब फैसला किया है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे और इनकी नाअहली का जो है वो केस भी उनके खिलाफ दायर करेंगे, तो क्या कहेंगे सर इस पर? ये अदालती मामला है, मैं उस पर अगर वो हाई कोर्ट गए नहीं है अभी तक, तो अब वो डूब रहे हैं और तिनके जो है उनका सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इख्तिताम जो है जो पर्दा गिरने वाला जो लम्हा है वो करीब आता जा रहा है, तो उनका ख्याल है कि इस तरीके से या इन इकदाम से उनकी कोई बचत हो जाएगी। मेरा अपना ख्याल है कि अदालती जो मामलाते हैं उस पर मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि अभी तक वो गए नहीं है इसलिए मैं सियासी कमेंट्री उस पर कर सकता हूँ कि ये इकदाम जो हैं ये एक मैं समझता हूँ कि लास्ट रिजॉर्ट जो होता है एक डूबते हुए का वो उसका एक रिफ्लेक्शन है नथिंग एल्स। अच्छा सर, गवर्नमेंट तो खुद इन्वॉल्व थी वो बोर्ड बनाने में और मियां साहब की पूरी वो करने में हिस्ट्री में, वज़ीर आज़म जो थे वो खुद ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो बीमार रहे हैं, बाकी वज़रा ने भी ये बयान दिया कि वो मियां साहब बीमार हैं, उन्होंने बोर्ड बनाया फिर खुद तसल्ली की, अपने डॉक्टर भेजे उनको उनसे वेरीफाई करवाया गया मियाँ साहब की जो अदालत थी उसके मुताबिक है, और तमाम तसल्लियाँ करने के बाद जो है उनको बाहर भेजा गया कि भाई इनका इलाज जो है वहाँ पर जी, और वो इलाज हो रहा है, तो ये उनको इस किस्म तो नहीं है कि ये 24 घंटे में 48 घंटे में जो है उसका इलाज हो जाए, एक सिलसिला है। वो इसको चैलेंज करना चाहते हैं, खुशी चैलेंज करें, वो उसके ऊपर तो कोई कदगुन नहीं है। ठीक सर, लेकिन मैंने फिर रिपीट करूँगा कि ये एक डूबते को जो है वो तिनकों का सहारा लिया। ठीक सर। और सर, आज जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ है और मिनी बजट के हवाले से भी अपोजिशन तैयारी कर रही है, तो कोई हिकमत अमली है कि किस तरीके से रास्ता रोका जा सकता है या पास होने दिया जाएगा, एहतजाज किया जाए? सबसे बड़ी नहीं, पास होने दिया देना सवाल नहीं पैदा होता, ये हम जो है एक आम आदमी की ज़िंदगी में इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो ऑलरेडी इफेक्ट आना शुरू हो गया, लोगों ने कीमतें ऑलरेडी बढ़ानी शुरू कर दी हैं इस बजट की आमद का जब से शोर मचा है जी सर, और बच्चों के दूध तक पे डबल रोटी के ऊपर टैक्स लग गए हैं, GST जो है उसका शरह जो है बढ़ा दी गई है, तो वो तो ओवरऑल जो है आपकी कोई चीज़ जो है महंगाई की इजाज़त से नहीं बच सकेगी, तो एक 22 करोड़ आवाम जो है वो इस वक्त महंगाई के चक्की में जिस तरह पिस रहे हैं उनके ऊपर और लोड डाला गया, और साथ करप्शन स्टॉप नहीं हुई, करप्शन जो है यूरिया का जो है हमारे चंद माह पहले ये एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, उन्होंने एक्सपोर्ट की बात की है बल्कि मंजूरी ली है उसकी यूरिया एक्सपोर्ट करने की, अब जो है दरामद की एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि स्मगलिंग शुरू हो गई है और उसमें ये सारे बंद, अगर स्मगलिंग हो रही है तो उसमें हुकूमत की नायाली का, तो ये यूरिया ले लें, उससे पहले दवाइयाँ ले लें, उससे पहले चीनी ले लें, गंदम ले लें, LNG ले लें, ये सारे क्राइसिस जो है गवर्नमेंट के अपने पैदा शुदा हैं जिसकी वजह से आम आदमी सफ़र कर रहा है और हमें इतने बड़े डेफिसिट के इन हाउस चेंज की बात हो रही है सर। पार्टी जो इसमें जो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में तो नहीं है जी, मतलब पार्लियामेंट वैसे जो कायदीन हैं हमारी मुख्तलिफ पार्टीज़ के वो अपने तौर के ऊपर करेंगे, लेकिन
एक आइनी तरीका जो है वो यही है इन तीन हालात जो है कि पार्लियामेंट जो है वो उसका वजूद जो है तसलसल जो है वो 5 साल जारी रहे और हुकूमत जो है वो इतमाद जो है खो बैठी हुई है और अंदर ही पार्लियामेंट के जो है ना तब्दीली लाई जाए, ये आइनी तरीका मौजूद है, गैर आइनी तरीके से किसी भी जो है ना उसको अटेम्प्ट नहीं करें। तो इससे हवाले से ओपोजिशन की सारी जमातें बिल खास तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ भी रबते हैं और कोई आपको आप खुद इस चीज़ के शाहिद हैं कि असेंबली के अंदर जो कोऑपरेशन है वो बड़ी अल्लाह के फजल से आइडियल कोऑपरेशन है तमाम पार्टीज ओपोजिशन की, तो इस पे जो भी फैसला होगा मुत्तफिका फैसला होगा और कोई जल्द फैसला होगा इंशाल्लाह। लॉन्ग मार्च मुत्तफिका नहीं हो सकता सर, एक पीपल्स पार्टी का लॉन्ग वो भी हो सकता है, वो अभी 2.5 महीने पड़े हुए हैं जी। कोई नहीं, 2.5 महीने पता नहीं की हो जाना है। थैंक यू सर। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।